जेंटलमैन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, रावल समाज की 38वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन, कांग्रेस बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी, कांग्रेस भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों के नाम, वैकल्पिक रूप से विद्यार्थियों को स्कूल अध्यापन कराने की मांग, उपखंड अधिकारी ने गाइडलाइंस की पालना हेतु की अपील, भाजपा कांग्रेस ने विजेता पार्षदों की काटी टिकट। अब समाचार विस्तार से। रावल समाज की 38वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार पिंडवाड़ा निकटवर्ती गांव एसाऊ में रावल समाज MS स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया, जिसमें खेल को खेल की भावना से खेला गया। समाज की 64 टीमों ने भाग लिया। सभी खिलाड़ियों ने एम्पायर के निर्णय का सम्मान करते हुए खेला। पूरी प्रतियोगिता में सहयोग करने वाले सभी कप्तान, खिलाड़ी, दर्शक, एम्पायर, स्कोरर, कमेंटर, एसाओ गांव के आयोजक व रावल समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केतन भाई रणछोड़, शिवसेना जिला प्रमुख रमेश भाई, हितेश रावल, अजारी सतीश पांड्या, रमेश भाई रावल ने व कई लोग उपस्थित हुए। कांग्रेस बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबूरोड नगर पालिका चुनाव को लेकर आबूरोड पहुंची महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व आबूरोड चुनाव प्रभारी रेहाना रियाज ने कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाएगी। हम सभी एकता के साथ लड़ाई लड़कर भाजपा की नाकामियों को जनता के साथ बीच में रखकर कांग्रेस को बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे। इस अवसर पर प्रभारी रेहाना रियाज ने कहा कि राजस्थान में हुए नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस के पक्ष में आम जनता में समर्थन देकर भाजपा को करारा जवाब दिया है। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायम खानी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अश्विन गर्ग, ब्लॉक अध्यक्ष सुमित्रा परमार, सुलोचना परमार, पूर्व पार्षद कांतिलाल परिहार, शमशाद अली अब्बासी, शिवशंकर शर्मा, मोहम्मद फारूक हसन खान मौजूद रहे। कांग्रेस भाजपा ने जारी किए उम्मीदवारों के नाम। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका चुनाव को आखिरी दिन जहां आवेदकों की भीड़ रही, वहीं दोनों पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की। वार्ड संख्या 1 से भाजपा ने संजय बंजारा व कांग्रेस ने सुरेश बंजारा। वार्ड संख्या 2 में भाजपा से देवेंद्र निगम, कांग्रेस से जितेंद्र कुमार। वार्ड संख्या 3 से भाजपा से सागर कुमार भील, कांग्रेस से दामोदर धानका। वार्ड संख्या 4 से भाजपा से अमर सिंह, कांग्रेस से अनु गोपलिया। वार्ड संख्या 5 में भाजपा से गोविंद कुमार, कांग्रेस से हेमंत कुमार। वार्ड संख्या 6 से भाजपा से संजय कुमार, कांग्रेस से प्रकाश विभिन्न वार्डों से अपना उम्मीदवार घोषित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब वक्त है ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ओरिएंट टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ओरिएंट का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ओरिएंट ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैकल्पिक रूप से विद्यार्थियों को स्कूल अध्यापन कराने की मांग। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर वैकल्पिक रूप से कक्षावार विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर अध्यापन करवाने व गृह कार्य देने के आदेश पारित करवाने की मांग की। संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविंद कुमार व्यास तथा वरिष्ठ शिक्षक नेता गोपाल सिंह राव के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं दो कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से व्हाट्सएप के माध्यम से गृह कार्य दिए जाने, वह व्हाट्सएप पर ही मंगवाकर उनका प्रिंट निकालकर उनके मूल्यांकन के बाद पोर्टफोलियो में लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, उन विद्यार्थियों के घर घर जाकर गृह कार्य देने संभव नहीं हो पा रहा है। उपखंड अधिकारी ने गाइडलाइंस की पालना हेतु की अपील। राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार पिंडवाड़ा नगर के गोगाजी मंदिर के प्रांगण में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने व्यापार मंडल की बैठक में शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की पालना की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी का तीसरा चरण चल रहा है,
इस कारण से तहसील क्षेत्र के आसपास गांव व शहर में तेजी से पैर पसार रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर आगे आना होगा। बैठक में ब्लॉक CMHO डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष महावीर यति, अशोक भाई रावल, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण लाल बी सोनी, व्यापार संघ के सलीम भाई, सब्जी मंडी के अध्यक्ष नानक भाई खत्री व कई लोग उपस्थित रहे। भाजपा कांग्रेस ने विजेता पार्षदों की काटी टिकट। लयिक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका आम चुनावों में भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने विजेता पार्षदों की टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया है, जबकि जिन प्रत्याशियों की टिकट काटी गई है उन्होंने अपने वार्डों में अपनी जीत हासिल की थी, जहां पर उस पार्टी की जीत नहीं होती थी। कांग्रेस भाजपा ने बगावती सुर उठा रहे हैं। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।